हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहाँ आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हो, आपके सीट अलॉटमेंट लेटर से रिलेटेड हो, आपके कॉलेज की फीस से रिलेटेड हो, या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, जो काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हरियाणा में भी फार्मेसी का फॉर्म अप्लाई किया था, तो उनके अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आते थे आपके काउंसलिंग को लेके, सर चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, हमारा एडमिशन डेट क्या है, तो सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो लाया है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, पहले तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें और साथ साथ नेक्स्ट सभी आने वाली वीडियो के लिए आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहे, ताकि सारे अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। तो पहले तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जैसे कि बी फार्मेसी का एडमिशन 2024-25 का ये वीडियो है, और पहले आप ये समझिए जो बी फार्मेसी में एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। जो हरियाणा में अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट में एडमिशन लेना है, तो उसका एक कंप्लीट प्रोसेस है। सबसे पहले आपने फॉर्म फिल किया होगा, फॉर्म फिल करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड आने के बाद आपने एंट्रेंस दिया होगा, एंट्रेंस के बाद अकॉर्डिंग टू आपके पेपर आपका रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग करोगे, और चॉइस फिलिंग के बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, और सीट अलॉटमेंट लेटर अगर आ जाता है, तो फिर आपका जो भी यूनिवर्सिटी में आपने चॉइस फिल किया है, अकॉर्डिंग टू योर रैंक अगर आपका नंबर आ जाता है, तो फिर आप वहाँ पर एडमिशन जाके डायरेक्ट ले सकते हो। तो अब जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था आपका, जो सर बी फार्मेसी एडमिशन चॉइस फिलिंग डेट को लेके, तो देखिए आपके टोटल 2 ऑनलाइन काउंसलिंग होने हैं, और उसके बाद अगर सीट बच जाती है, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन बचेगा ऑफलाइन काउंसलिंग का। ऑफलाइन काउंसलिंग मतलब ऐसे मान लीजिए, जो अगर यूनिवर्सिटी के पास सीट बचती है, तो वो आपके ओपन काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि बी फार्मेसी एडमिशन का आपके पास जो फर्स्ट चॉइस फिलिंग का जो डेट रखा गया है, वो है 19/9 से लेकर 24/9 के बीच में, मतलब आप 19 सितंबर से लेके 24 सितंबर के बीच अपना फर्स्ट चॉइस फिल कर सकते हो, और फर्स्ट चॉइस फिल करने के बाद जब आप लॉक कर लोगे, तो आपका जो रिजल्ट है, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग का जो फाइनल रिजल्ट है, वो आपका 25/9/2024 को HSTS के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आपका यहाँ पे मान लो 25 तारीख को अगर आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग 26 से लेके आप 29 या 30 के बीच में जाके अपना एडमिशन यूनिवर्सिटी में ले सकते हो। अगर मान लो आपके फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपका नंबर नहीं आता अकॉर्डिंग टू योर रैंक, तो आपके पास ऑप्शन बचेगा सेकेंड काउंसलिंग का, और सेकेंड काउंसलिंग का जो आपका डेट है, वो 1/10 से लेके 7/10 के बीच का रखा गया, मतलब इन दो डेट के बीच में आप लोग सेकेंड काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हो, और सेकेंड काउंसलिंग का जो आपका फाइनल रिजल्ट जो है, वो 8/10/2024 को आपके HSTS के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब अगर मान लो आपका सेकेंड काउंसलिंग में भी नंबर नहीं आता है, तो फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा जिसे हम पढ़ेंगे ऑफलाइन काउंसलिंग, तो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक। अब आप बात की जाए जो सर टोटल सीटें कितनी, देखो भाई गवर्नमेंट की तो आप ऐसे मान लीजिए मेरे अकॉर्डिंग 500 से लेके 600 सीट के बीच में है, और प्राइवेट में तो बहुत सीटें हैं, प्राइवेट की कोई भी कमी नहीं है सीट में, लेकिन गवर्नमेंट में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो 600 प्लस सीटें हैं जहाँ पर आपका एडमिशन ईजिली हो सकता है। और अगर मैं आपको बोलूँ, तो आप जब भी चॉइस फिल करो, बशर्ते आपका रैंक 1 हो, या आपका रैंक 1000 हो, या आपका रैंक 5000 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने कॉलेज का जब भी चॉइस करें, तो जो भी गवर्नमेंट की कॉलेजेस है, सबको आप फिल करिएगा, ऐसा कोई लिमिट नहीं है जो आपको एक कॉलेज फिल करना है, 2 करना है, या 5 करना है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने कॉलेज का जो भी है सिलेक्शन कर सकते हो। और जिस बच्चे का रैंक 700 से ऊपर है, मैं तो आपको एक ही गाइड करूंगा, जो भी गवर्नमेंट की कॉलेज है, सब आपको फिल करना है, उसके बाद देखा जाएगा कॉलेज मिलता है या नहीं, क्योंकि टोटल हमारे पास सीट ही 600 के करीब है, और ये 600 का 70% मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग के लिए है, और 30% मेरे अकॉर्डिंग सेकेंड काउंसलिंग के लिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही अपना चॉइस फिल करिए। और भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आता है आप लोगों को, तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा जो आप मेरे से शेयर करें, और जो भी उसका जेन्युइन सोल्यूशन होगा, मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, तो अपने दोस्तों यारों में भी शेयर करिएगा, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।